ना एक मेवाड़ी बोली का व्यंग सुना देता हूँ, है ना। मैं वीर रस का एक दोहा सुना रहा हूँ आपको, एक दोहा। हमारी मेवाड़ की संस्कृति क्या है, अगर मेवाड़ी बोली में बोले तो क्या है, और इससे बढ़कर मैं सोचता हूँ कि आप कल्पना करो इससे बढ़कर क्या है, है ना। नथिंग इज बियॉन्ड दिस टू लाइन्स, है ना। इससे ऊपर क्या कल्पना करेंगे। पंक्तियाँ देखें कि भाटो भाटो देव है मेवाड़ का, भाटो भाटो देव है, और पाना पाना भाट, पग पग पूजा सूरमा, ये मेवाड़ी ठाट। कि भाटो भाटो देव है और पाना पाना भाट, पग पग पूजा सूरमा, ये मेवाड़ी ठाट। तो ये हमारे मेवाड़ की कल्चर का थोड़ा सा दो पंक्तियों में परिचय दे दिया। एक दो दोहे और सुना दूँ, जो जीवन में कभी कभी ही माँ भगवती सरस्वती एक बढ़िया दोहे लिखा थी, बाकी तो छोटे मोटे तो बहुत लिखे है ना। महाराणा मेवाड़ के लिए पन्ना धाई के लिए एक ही दोहा पढ़ रहा हूँ कि दुनिया रा इतिहास में पहली पन्ना धाय आँख्यारो तारो गयो आंसू एक ना आए। कि दुनिया रा इतिहास में पहली पन्ना धाय आँख्यारो तारो गयो आंसू एक ना आए। तो एक महाराणा प्रताप के लिए दोहा कि धन मायड़ प्रताप री जायो ऐसो पूत, स्वर्गा गीवा पाल की और पाछे सब रजपूत। के धन मायड़ प्रताप री जायो ऐसो पूत, स्वर्गा गीवा पाल की पाछे सब रजपूत। हमारे मेवाड़ की वीरांगना किस प्रकार की रही है और वो अपने नवजात शिशु को क्या संदेश देना चाहती है, एक दो पंक्तियों का एक दोहा देखिए। क्षत्राणियों का विरोचित भाव मैं सोचता हूँ इन दो पंक्तियों में सब कुछ समाहित हो गया, इससे बढ़कर क्या कल्पना हो सकती है, इम्पॉसिबल है ना। मेरी पराकाष्ठा समाप्त होती है, आगे किसी की हो अलग बात है। तो पंक्तियाँ देखिए साहब के रण का डंका बाजिया और घरा जन्मियों पूत डंका लंबा बाजो रण भेजू यो पूत। के रण का डंका बाजिया गरा जन्मे पूत, डंका लंबा बाजो रण भेजू यो पूत। तो इस प्रकार मेवाड़ी के कुछ दोहे लिखे हैं मैंने भगवान राम के लिए और राजघराने के जो ये वंशज आज हैं, आखिर इनकी डीप कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक की होती है, मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए कि लव बेटा जो राम रा जाको सूरज वंश, लव बेटा जो राम रा जाको सूरज वंश, सब राणा मेवाड़ रा सिया राम रा अंश। लव बेटा जो राम रा जाको सूरज वंश, सब राणा मेवाड़ रा सिया राम रा अंश। और चेटक घोड़े के लिए भी एक दोहा लिखा जो आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। के वारे चेटक वा गजब थारी छलांग, वारे चेटक वा गजब थारी छलांग, एक छलांग में बच गया राणा जी का प्राण। एक छोटे से प्राणी का छोटा सा काम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, छोटे से प्राणी का छोटा सा काम कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। कि वारे चेटक वा गजब थारी छलांग, एक छलांग में बच गया राणा जी का प्राण। और जब मेवाड़ के ऊपर युद्ध के बादल मंडराते हैं तो पूरा कायनात पूरा वातावरण किस प्रकार युद्धमय बन जाता है, है ना। इंसान तो इंसान होता है, जानवर तक के हौसले कितने बदल जाते हैं, उस बदलती हुई मेंटेलिटी को आप कैसे अभिव्यक्ति दे पाएंगे। इंसानों के ख्यालात तो सुन करके लिख लेंगे बोल के, जानवरों को कैसे समझेंगे। एक दोहे के अंदर मैंने अभिव्यक्ति दी देखिए, और चंदन को तेज रगड़ने से आग लग जाती है, कैसे लगती है, क्या फिलोसोफी काम करती है, क्या नेचुरोलॉजी काम करती है। देखें पंक्तियाँ के ऊबी गाया मेवाड़ री, ऊबी गाया मेवाड़ री ऊबी करे विचार, कितनी सिंप्लिसिटी भाषा की। कि ऊबी गाया मेवाड़ री ऊबी करे विचार, बता बेरिया की छावनी करा हिंगड़ा पार। ऊबी गाया मेवाड़ री ऊबी करे विचार, बता बेरिया की छावनी करा हिंगड़ा पार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।